भाई मैच की आपको सूरत हाल जैसे चलेंगे, पाकिस्तान की जो हैवी वाली कुट्टो अड़ी है मैंने आगे आपको दिखाया। सारी टीम को भाई साहब 401 स्कोर पड़ा है भाई। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया भाई। पकड़ मार की धुआंधार बल्लेबाजी, देखो क्या हो गया है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई साहब, आपका एक अनदर वीडियो में अनदर ब्लॉग में वेलकम बैक हो चुका है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, क्योंकि भाई ये चल रहा है आईसीसी मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। मैं कहता हूँ यार बड़ा ही लेवल का मुकाबला होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ये मैच पाकिस्तान जीत गया तो और हमारी कुछ उम्मीदें बहाल हो जाएंगी सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्योंकि कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान नेदरलैंड, अफगानिस्तान ने जीत के सारा पैस कि तुम सारा काम ही खराब कर दिया यार उसने। वो 8 नंबर लेके पाकिस्तान की पोजीशन पर आ गया, पाकिस्तान 6वें नंबर फिर आ गया। अब ये वाला मैच पाकिस्तान को जो है बहुत ही जरूरी है जीतना, क्योंकि ये पाकिस्तान आपकी टास्क अपडेट आपको देते जाना। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहली बार वर्ल्ड कप में 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं भाई साहब, हसन अली, शरीफ, हरसरोप और वसीम जूनियर 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। तो इससे ये लगता है कि बैटिंग जो है भाई जरा बॉलिंग पिच है, घास भी ऊपर ड्राई है, विकेट तो ना बॉलर्स को ज़्यादा मदद देगी। 270-280 टारगेट होने वाला है जो मैक्सिमम है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जो है 200 से पहले भाई साहब ये 200 हद जो है उनको बुक करें, ताकि हम जो है 35 ओवर में मैच फिनिश करके अपनी रन रेट अच्छी करके न्यूजीलैंड से ऊपर आए। तो ये हमने काम लाजमी करना, अगर हम पहले बॉलिंग बैटिंग कर रहे होते तो हमने जो है कम से कम टारगेट उनको देना था 350-350, तो 83 रन से इनको हराना था तो हम जीते। अभी जो है हमारी पहले बॉलिंग है तो हमने जो है इनको ये जो टारगेट करेंगे बड़ा 300 बड़ा 400 बड़ा जितना मर्जी हो कोशिश करेंगे कि कम होगा, लेकिन हमने 35 आवर्स में उनको वो टारगेट को कंप्लीट करना है। वो टारगेट कंप्लीट करेंगे तो फिर भाई साहब कुछ होगा। अभी जो यार मैं जा रहा हूँ शूट पर निकलने लगा हूँ नाटक बाद, मेरे यूट्यूब चैनल है आपको पता होगा, उधर हम ना वीडियो शूटिंग शूट करने जा रहे हैं 10 का टाइम है। और यार ये भी बड़ा बैड सीन है, सुबह 10 बजे मैच लग रहा है यार, पता नहीं क्या कसम से। मैंने कहा 1:30 बजे होगा 2 बजे वो मैं शूट से वापस आके देख लूंगा, लेकिन अब मुझे वहाँ पर भी देखना पड़ेगा, थोड़ी देर अपडेट मैं आप लोगों को देता चलूंगा। अभी जो है चलते हैं शूट पर और पाकिस्तान की पहले बॉलिंग है, आके राम सुन से मैं आ जाऊँगा 2:30 बजे, तो पाकिस्तान की बैटिंग इंजॉय करेंगे आप सब लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद पाकिस्तान टीम, क्योंकि भाई साहब आईसीसी मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जी तो गाइस हम ऑन द वे हैं अपनी लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ हमने शूट करना है। मैच की सूरत यार ये है कि पाकिस्तान की पहले बॉलिंग मैंने को बताया था। यार ये सीन देखो यार, ये धुंध है क्या क्या है ये, मेरे ख्याल से ना स्मोक है, स्मोक जो आलूदगी होती है लाहौर भाई साहब पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है आलूदगी में। ये देखो इधर सूरज है और इधर देखो आलूदगी, चेक करो ये खतरनाक है। वैसे मास्क पहनना चाहिए, मैं बाइक चला रहा हूँ बोल रहा हूँ साथ में, साथ साथ आपको मैच की अपडेट भी देंगे कि क्या सीन चल रहा है। साहब ये जरा मैच की सूरत हाल देखें आप, 59 रन हो गए हैं, 9 ओवर हो गए हैं और कोई आउट नहीं है। हैवी वाली कुट्टो हो रही है, फिर रन रेट देखो भाई साहब क्या चल रही है, 6.56 की रन रेट चल रही है। भाई मैच की आपको सूरत हाल देते चलेंगे, पाकिस्तान की जो हैवी वाली कुट्टो हो रही है मैंने आगे आपको दिखाया था कि 9 ओवर में 59 हो गया था, लेकिन अब जो है 25 ओवर में 164 स्कोर हो गया और एक आउट हो गया। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ हैवी वाली कुट हुई है, हैवी वाली कुट हो रही है, स्कोर 400 का जाएगा। ये बाबर आजम का डिसीजन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि गलत ले लिया, कि पहले टॉस जीत कर उनको दे दिया बैटिंग, बड़ा खुद करता खुद मारता, बड़े मुश्किल चांस लग रहे हैं भाई साहब, बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं चांस पाकिस्तान के जीतने के। अब देखो अभी 50-50 है, क्योंकि अभी एक बड़ी नहीं, जब एक बड़ी होगी तब पता चलेगा कि क्या सीन है। देखो लेट्स सी क्या बनता है, 164 पर उसका एक आउट है, 25 ओवर हो गए हैं। हाँ जी, तो भाई साहब मैं ना वहाँ भाई शूट वगैरह करके वापस आ गया था, तो मुझे खबर मिली कि पाकिस्तान की टीम को भाई साहब 401 स्कोर पड़ा है भाई, मतलब कि पाकिस्तान टीम ने 402 स्कोर करना है यार, इतनी कुट्टे। वो तो मैंने देखा था कि जब आपको मैंने पहले दिखाया था 9 ओवरों में 59 हो गया, फिर मैंने आपको दिखाया था कि भाई साहब 25 ओवरों में 168 हो गया था, तो मुझे लगा कि यार रोक लेंगे एंड पे जाके स्कोर, वहां पर रुका भी था स्कोर, मतलब कि 20 बॉलों में ना लास्ट 20 बॉलों में दिखा रहे थे 30 स्कोर पड़ा था, रुका था स्कोर,
लेकिन एंड वाले 20 ओवर में भाई इतनी हैवी कुट पड़ी है, इतनी हैवी कुट पड़ी है उनको, होए होए। और विंद्रा भी मार गया, सो वो के विलियमसन 95 कर गया, और उसके अलावा नीचे से आ गए भाई हैवी वाली कुट लगा के हैं। और अभी जो पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, फखर जमान हमारा चीता चल रहा है, अब्दुल्ला शफीक खच मार गया, डुआ क्या मार गया, खच मार गया डुआ खच। फखर जमान ने पिछले ओवर में भी मैंने देखा है वो बॉल को मारा 17, और अभी फिर एक ओवर गुजरा उसमें 16 लगा, तो 7 ओवर में पाकिस्तान का 48 स्कोर हो चुका है। लेट्स सी देखो क्या बनता है। एक आउट हो गया बाबर आजम, फखर जमान खेलने, दुआ करो ये दोनों आउट ना हो और स्कोर मारा कहीं लग जाए, ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो कीप प्रेयर फॉर पाकिस्तानी टीम। ओ भाई साहब, बाबर आजम और फखर जमान की धुआंधार बैटिंग, मैं कहता हूँ लेवल हो गया यार, 69 रन की पार्टनरशिप हो गया बाबर आजम और फखर जमान की, तकरीबन मेरे ख्याल से 52 बॉल पे, मैं कहता हूँ नहीं बात यार, छक्के पे छक्का मार रहे हैं बॉयज हमारे, ये स्कोर चेंज हो सकता है अगर हम ऐसे ही पार्टनरशिप करते रहे, एक ओवर में 8 मार रहे हैं, एक ओवर में 16 17 मार रहे हैं, मैं कहता हूँ लेवल हो गया चीतो यार, कमाल है। होय होय होय, ओ भाई साहब मुझे लगा कि बस पाकिस्तान टीम को कुट पड़ती है, लेकिन जो पाकिस्तान टीम के साथ जो मैच होता है वो दूसरी वाली टीम को भी कुट पड़ती है भाई, क्या बात है। 17 ओवर्स में 125 स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का, एक आउट बस एक आउट, 79 बॉल्स पर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी बाबर आजम और फखर जमान की, मैं कहता हूँ इस तरह बाबर आजम और फखर जमान खेलते रहे तो बहुत ही लेवल का स्कोर हो जाएगा। 17 ओवर में 125 और 20 ओवर में हो जाएगा तकरीबन, या तकरीबन 20-21 ओवर में 150 हो जाएगा। तो उसके बाद जो भाई साहब 30 ओवर्स में 250 स्कोर, क्या मुश्किल है, अगर विकेट सही तो नहीं मुश्किल होगा, क्योंकि फखर जमान हमारा चल रहा है भाई छक्के में छक्का छक्के में छक्का। जी तो भाई साहब मैच की अपडेट ये है कि 21.3 ओवर हो गए हैं और पाकिस्तान का 160 स्कोर हो चुका है। तो अभी जो है बारिश आ गई है, एक ही ओवर बारिश आ गई है, लेट्स सी देखो बारिश कब तक रुकती है, तो फिर मैच कब स्टार्ट होता है तब आपको दे देते हैं। अभी तक हमारी बल्लेबाजी जो है बड़ी ही लेवल की जा रही है भाई, मैं कहता हूँ बड़ी ही लेवल की जा रही है। लव यू हो गया फखर जमान, लव यू हो गया बाबर आजम। भाई साहब कुछ खबर है कि मैच जो है दोबारा शुरू होने लगा है, ओवर ने 9 ओवर कम कर दिया, 117 बॉलों पर 182 स्कोर अब चाहिए पाकिस्तान को। वो देखो लिखा है 8.34 रन की पर ओवर चाहिए, 182 स्कोर चाहिए 117 बॉल पर। फखर जमान है और बाबर आजम खेल रहा है, देखो लेट्स सी क्या बनता है। 9 ओवर कम कर दिए क्योंकि बारिश तो ज्यादा हो गई थी तो वो टाइम का इशू था, देखो लेट्स सी क्या बनता है। क्या बात है भाई, फखर जमान के धुआंधार छक्के, ओए 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 ओए, 25 ओवरों में 199 स्कोर हो चुका है, मतलब कि 201 कम 200 हो चुका है यार, मैं आ गया तो लेवल हो गया यार फखर जमान भाई, अभी हो गया यार कमाल के छक्के मारे हैं लंबे लंबे, वो भी अभी एक छक्का पड़ा स्पिनर को 98 मीटर का, ओए 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 ओए, मैं डांडी बात यार 125 स्कोर पर खेल रहा है 78 बॉलों पर फखर जमान। तो यार भाई एक तो ये बारिश यार, क्या यार लगता है मैच नहीं खेलने देगी कसम से, फिर बारिश आ टपकी है भाई, अभी 4 ओवर गुजरे हैं तो फिर बारिश आ गई है, शुक्र है कि 4 ओवर में पाकिस्तान ने 40 स्कोर बना लिया था भाई, ये बात अच्छी हो गई है। 21 स्कोर अब फिर हमारा उनसे ऊपर हो गया है, ये 25.3 ओवर्स में 21 स्कोर माना ऊपर है, तो अब देखो यार कब बार जुटते कब मैच शुरू होता है, कहीं फिर यहाँ अगर ये कम ना कर दें यार, क्या यार सीरा कसम से। साहब ये देखो क्या हो गया है, पाकिस्तान जीत चुका है, हाय 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 हाय। पाकिस्तान जीत गया। यही पता की हमें जरूरत थी, यही जीत की हमें जरूरत थी, यही विन की हमें जरूरत थी, टीम पाकिस्तान। और रही बात बारिश की, बारिश मैं दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब कहते हैं ना भाई अल्लाह आपके साथ हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती, तो यही बात आज पाकिस्तान की फेवर में गई है, क्योंकि जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो भाई पाकिस्तान को कोई जीत भी नहीं हरा सकती, कोई चीज भी नहीं हरा सकती। तो आज पहले बारिश आई तब पाकिस्तान का 160 स्कोर था, उसके बाद बारिश रुक गई फिर आई, पाकिस्तान ने 200 स्कोर किया 25.3 ओवर्स में,
इससे पहले बारिश आई थी तब भी पाकिस्तान उनसे 10 स्कोर आगे था, जब बाद में बारिश आई तो पाकिस्तान उनसे 21 स्कोर आगे था। यही तो पाकिस्तान खुशी थी। तो उसके बाद उन्होंने टाइम दिया कि भाई एक घंटे में अगर बारिश ना रुकी, अगर ग्राउंड कंडीशन ठीक ना हुई, तो हम जो है DLS के तहत ये मैच पाकिस्तान को जितवा देंगे। तो मैंने जब ये खबर सुनी, मैंने कहा यार आधा घंटा तो हो चुका है और पाकिस्तान 21 स्कोर आगे भी है, इसका मतलब कि पाकिस्तान की ये फतह यकीन नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा। तो उसके बाद मैं भाई लेने गया था घर का पानी, मैं वापस आऊँ भाई न्यूज लगी है जियो न्यूज पे, वो कह रहे जियो तो ऐसे जियो तो, मैंने कहा क्या हो गया भाई, और पापा कहते पाकिस्तान मैं जीत गया। इसी खुशी में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला मैच हमारा इंग्लैंड के साथ है, हमें दुआ करनी है कि सोसुरी का वो न्यूजीलैंड अपना अगला मैच हार जाए और हम जो है इंग्लैंड से मैच जीत कर सेमीफाइनल में एंट्री मारे धमाकेदार। ये जो बल्लेबाजी किया फखर जमान ने और बाबर आजम ने, ये पिछले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ 90-80 स्कोर मारा था फखर जमान ने, मैं कहता हूँ यार कमाल, मैं कहता हूँ यार कमाल क्लास, सही किया तो मामूल को बाहर निकाले, तो मामूल को भाई तुम निकल लो दबा दो यहाँ से, तुम्हारी इधर कोई जगह नहीं है। छक्के मारे लड़के ने यार कमाल के छक्के मारे हैं, उनके भाई छीछड़े उठ गए होंगे यार छक्के, हमने तो इतने को छक्के मारे नहीं जितने इन्होंने छक्के मार दिए। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, फखर जमान चलेगा इंग्लैंड के खिलाफ चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद से हम सेमीफाइनल में पहुँच गए। पता नहीं हमारा ऑस्ट्रेलिया से या इंडियन से मुकाबला होगा तो हमने उसको भी हरा के फाइनल में जाना है। तो अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना यार, वीडियो पसंद आई अगर आप पाकिस्तान की जीत की खुशी से लाइक करोगे ना तो 100% लाइक कर देना, क्योंकि भाई साहब आईसीसी मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में ना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।